जैसे कि बेटा हमने जो पत्थर देखा है वो छोटा सा ही पत्थर हमें दिख रहा है, तो क्या वो छोटा ही पत्थर है या बड़ा पत्थर है? वो बहुत बड़ा पत्थर है। वो बहुत बड़ा पत्थर है। कितना बड़ा है हाथ से? बहुत बड़ा है। के ये पेड़ जो है ये है एक प्राण दो देह, जो कि आप सामने देख रहे हैं, और उसी रूप में उसी भाव से आप भी दर्शन कीजिए। ये वो पेड़ है जो मंदिर की छत पे है, जिसकी कहा जाता है कि जड़ नहीं है और इसमें पानी भी नहीं ऐसे डाला जाता, और ये आज भी हरा भरा पेड़ आप देख सकते हैं। इसमें इस टाइम पर फूल भी हैं और इसके फल भी आए हुए हैं। यहाँ पे रस्सियों के निशान है, जो कि 7 निशान है। एक सामने आपको दिख रहा है, 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से लेके यहाँ तक के 7 निशान मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ पे लेके आया हूँ, यहाँ की रिक्वेस्ट मेरे पास सालों से आ रही है कि मोहित जी आप हमें दर्शन कराइए उस स्थान के जहाँ पे श्री राधा रानी का जन्म हुआ है। जी हाँ, आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ श्री राधा रानी की जन्म भूमि में, यानी कि रावल में। मैं इस टाइम पर मुख्य गेट पे खड़ा हूँ रावल गांव के बाहर। जो ये मुख्य जो गेट है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही गेट है जो अंदर आपको उस स्थान पे दर्शन होते हैं जहाँ राधा रानी की जन्म भूमि कहलाती है। मेरे पास काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें जन्म स्थान के दर्शन कराइए, यानी कि जहाँ पे श्री राधा रानी प्रागट्य हुआ है, श्री राधा रानी का उस स्थान के दर्शन कराइए। मैं इस टाइम पर मेन रोड पे खड़ा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये सीधी जो सड़क देख रहे हैं ये सीधी आपको लेके जाएगी गोकुल, और गोकुल से मैं आगे आया हूँ रावल गांव की तरफ। और आज मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराऊँगा, यहाँ की कथा सुनेंगे और जो आगे की लीला है श्री राधा रानी किस तरह प्रगट्य हुई और किस तरीके से यहाँ पे दर्शन होते हैं, आज मैं आपको संपूर्ण इस वीडियो में दर्शन कराऊँगा। चलते हैं अंदर मंदिर के, क्योंकि इस टाइम पर मैं मेन रोड पर खड़ा हूँ, काफ़ी शोर है यहाँ पर। मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर गाँव के भी दर्शन कराऊँगा आपको, किस तरीके का पूरा यहाँ पर दर्शन होते हैं आपको और यहाँ की कथा क्या है। सबसे पहले आप मेन गेट देखिए, मेन गेट पर साफ साफ लिखा हुआ है लाडली लाल श्री राधा रानी रावल धाम पुराना बरसाना, यानी कि पुराना बरसाना कहा जाता है इसको। आज आपको संपूर्ण दर्शन होंगे इस वीडियो में, तो चलते हैं अंदर और आपको संपूर्ण कथा बताएंगे और संपूर्ण दर्शन कराएंगे। इस टाइम पर मैं बिल्कुल मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। जैसा कि आपने देखा, हम लोग गांव के अंदर से होते हुए आए हैं मेन रोड से, और मुख्य जो स्थान है वो मेरे सामने है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। लेकिन हम लोग गांव से होते हुए आए थे, तो हमें लगा था कि शायद हमें उतना मंदिर में किस तरीके से पहुंचेंगे, जैसे कि हम बरसाना में जाते हैं राधा रानी मंदिर में, तो ऊपर हमें काफ़ी चढ़ाई फेस करनी पड़ती है। ऐसे ही नंद भवन में भी आपने देखा है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली आ गए हैं बहुत आसानी से। और आने के बाद में सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एरिया जो देख रहे हो ना, बहुत ही खुला एरिया है, लिटरली मैं बताऊंगा। और सामने है श्री राधा रानी का वो स्थान जो जन्म भूमि जन्म स्थान कहलाता है, जिसको पुराना बरसाना भी कहा जाता है। यहाँ पे आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि एक तो बाहर से जैसे कि मैंने एंट्रेंस आपको दिखाई, कितना आनंदमय वहाँ पे प्रवेश द्वार है, ओपन एरिया है पूरा, और जो मुख्य द्वार है मैं मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ।
आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं मंदिर के अंदर आया हूँ। और जो यहाँ की कथा है वो यहाँ पे माताजी से जानते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो श्री जी का प्रागट्य हुआ वो किस प्रकार हुआ और क्या यहाँ की संपूर्ण कथा है। राधे राधे। राधे राधे। मैं, मेरा नाम रमा देवी है, मैं यहाँ की सेवायत मुखियानी हूँ। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गाँव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज़ यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पर पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बन के उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या, वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे, सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोप वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विश्वभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पल्लव में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा, जब उनके दोनों नेत्र खुले। कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए, कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विश्वभानु के पास 11 लाख गाय थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप बाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम नंदगांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़ है वो। विश्वभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम विश्वभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ होगी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विश्वभानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम विश्वभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप देखें युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रकट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे प्रभुनंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही? तो बोले एक श्यामा गई आएगी, जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो यमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध मिश्रम प्रकट है। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। वहाँ पानी देने का कोई साधन नहीं है, वहाँ फिर भी वो हरा का हरा रहता है, उसमें फल भी लगते हैं
और फूल भी लगते हैं और वहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऊपर है वो पेड़, आप ऐसे ऊपर जाएंगे, वहाँ पेड़ है करील का, आप वहाँ दर्शन करिए, देखिए। और सामने बगीचा है राधा रानी का, जहाँ राधा रानी झूल रही है वहाँ भी एक प्राण दो दे का पेड़ है, एक काला और एक गोरा, वहाँ चिपटा हुआ है। जब राधा रानी वहाँ खेला करती थी, कृष्ण भगवान और राधा रानी खेलते थे, तो राधा रानी को बहुत गर्मी लगी, तो भगवान ने उनके लिए छाया किया यमुना के किनारे। वही एक प्राण दो दे का पेड़ है, एक काला गोरा, एक है पीपल, एक है मोरछल। वहाँ भी आप बगीचे में जाते, बगीचे में दर्शन होते हैं। गांव में सिर्फ यही है, राधा रानी का मंदिर और राधा रानी का बाग, राधा कुंड। एक अभी कुंड बना है पीछे, आप देखिएगा, अभी पिछले साल सरकार ने बनाई है कुंड। मैं इस सेवा में, मुझे तो वैसे शादी होके यहाँ आए 40 साल हो गए, लेकिन लगातार सेवा करते 25-26 साल हो गए। बहुत आनंद की बात है और बहुत आनंद पूर्वक दर्शन हुए मंदिर। ये कितना यहाँ पे बार जीर्णोद्धार हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश। ये मंदिर 5,500 वर्ष पुराना है, अभी इसका जीवन उद्धार किए हैं हम लोग, तो 15 साल हो गया, 15 साल इसका जीवन उद्धार किए हुए ये हम ही लोग करवाए। अपना निजी मंदिर है, मालकिन तो श्री जी है, सेवा हमारी। हाँ जी, यहाँ पे 84 कोस की यात्रा आती है यहाँ पे, और कार्तिक के महीने में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, और राधा अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन तो उस दिन दर्शन होना दुर्लभ है, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। जी बहुत आनंद आया मुझे जान के, और बहुत अच्छा लगा आपसे कथा सुन के। राधे राधे। जैसे कि माता जी ने हमें बताया कि मंदिर की छत पे जो पेड़ है, जिसके दर्शन आपको आज भी होते हैं, जो उसी समय का पेड़ बताया जाता है, तो माता जी बता रही है जैसे कि जड़ नहीं है, ऊपर ही है जड़, तो मंदिर की छत पे है वो पेड़। अब मैं आपको मंदिर की छत पे लेके चलता हूँ, और वहीं से कहा जाता है कि यमुना जी के दर्शन होते हैं, जो उस टाइम पर एक भाव से आप कह सकते हैं दर्शन होते हैं। आज मैं भी पहली बार दर्शन कर रहा हूँ और आप सभी को दर्शन करा रहा हूँ। गुंबद के दर्शन करो, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ से दिख रहा है, और जिस पेड़ के बारे में हमें माता जी ने बताया, वो पेड़ ये रहा सामने, जिसमें इस टाइम पर फल भी आप देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे इसमें फूल भी आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि माता जी ने हमें बताया, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये ही वो पेड़ है जो मंदिर की छत पे है, जिसकी कहा जाता है कि जड़ नहीं है और इसमें पानी भी नहीं ऐसे डाला जाता, और ये आज भी हरा भरा पेड़ आप देख सकते हैं। इसमें इस टाइम पर फूल भी हैं और इसके फल भी आए हुए हैं, जो कि हमें इस टाइम पर दर्शन हो रहे हैं, और आप भी आनंद लीजिए इसका। जैसे कि मैंने आपको उस तरफ से दिखाया, अब आप देखिए सामने की तरफ से, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जड़ नीचे नहीं है, मंदिर की छत पे ही है। और इस टाइम पर मैं मंदिर की छत पे खड़ा हूँ,
मेरे बैक साइड में जो पेड़ था वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो पेड़ है। आज भी जैसे कि माता जी ने बताया कि उसकी जड़ नीचे नहीं है, मंदिर की छत पे ही है और पता नहीं उसमें पानी कहाँ से जाता है, लेकिन आज भी वो हरा भरा पेड़ है। उसमें इस टाइम पर यानी कि मैं आया हूँ अभी जुलाई के मंथ में, अभी इसमें फल भी आए हुए हैं और उसमें फूल भी आए हुए हैं जो कि आपने देखे भी हैं। और साथ ही जैसे कि माता जी ने हमें बताया था कि आप यहाँ से कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं जो हाल ही में बना है अभी कुंड, एक साल पहले, और ये है राधा कुंड। रावल गांव का ये आपको राधा कुंड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सेंटर में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको पत्ते दिखेंगे जो कि ये कमल के पत्ते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है हमें मंदिर की छत से नज़ारा, बहुत आनंद आ रहा है। इस टाइम पर मंदिर की छत पर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हमारे साथ हैं एक गाँव के निवासी जिनका नाम है रोहतास। एक बार थोड़ा बहुत उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं हम कि यहाँ के बारे में वो क्या हमें बताते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। राधा रानी के आज रावल गांव में हम आए हैं पहली बार, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे दर्शन करके। और जैसे कि हम कुंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे कमल के पत्ते लगे हुए हैं, इसमें तो इसमें कमल आते हैं या फिर आते हैं? आते हैं। तो वो समय कब होता है उसके बारे में बताएं? जब आते हैं, अब 2 महीने बाद आएंगे, चौमासे आते हैं ना, बारिश पड़ती है जब आते हैं। जब आते हैं इसमें तो उस टाइम पर पूरा कुंड भर जाता है या फिर भर जाता है? जितने पत्ते हम देख रहे हैं उतने में ही आते हैं? नहीं, भर जाता है पूरा, पूरा कुंड भर जाता है, बारिश आती है जब, बारिश के टाइम पर। और यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे देख रहे हैं राधा बाग का जिक्र किया हमें नीचे माता जी ने, तो वो राधा बाग के दर्शन यहाँ से कैसे कहाँ होते हैं हमें बताइएगा? राधा बाग, ये पूरा राधा बाग ही, ये पूरा राधा बाग है पीछे जो हम देख रहे हैं। और आगे भी है, और आगे भी बताया जा रहा है, यानी कि हम आपको वैसे वहाँ लेके चलेंगे अभी, लेकिन जो छत से दर्शन है वो इस तरीके का दर्शन है। राधा कुंड। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ के बारे में बताया। राधे राधे। अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमें स्पेशली बताया गया था जो पेड़ है, आज भी एक श्यामा और एक श्याम के यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं, तो उस पेड़ के दर्शन मैं भी करना चाहूँगा और आप सभी को दर्शन कराना भी चाहूँगा। चलते हैं वहाँ की ओर और इस पेड़ को मुझे बार बार एक अट्रैक्शन है, लिटरली बताऊँगा इस पर, और बहुत आनंद आ रहा है देखने को हमें, आज भी यहाँ पर मिल रहा है बहुत ही सुंदर। यानी कि परिक्रमा करते हैं एक तरीके से पूरे मंदिर की, और परिक्रमा करके आप उस पेड़ की भी परिक्रमा करते हैं वहाँ से, फिर देन आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं यानी कि नीचे उतर जाते हैं। और इस तरीके का व्यू है, आप देख लीजिए, आपको हमने छत में दर्शन कराया, अभी छत में आपने देखा कि किस तरीके से वो पेड़ मौजूद है आज भी, जिसमें आज भी माताजी ने हमें बताया कि पानी उसमें कोई नहीं डालता है। और आपने देखा कि किस तरीके से वो हरा भरा है पूरा पेड़, उसमें फूल भी हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं, और ये चमत्कार आज भी साक्षात आपको देखने को मिलता है रावल गांव में, श्री राधा रानी की जन्म स्थान में। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, दर्शन करें, और छत से ही हमने आपको उस कुंड के दर्शन कराए जो कि अभी हाल ही में बना है। उसमें आपने देखा कि कमल के पत्ते आपने कितने सारे देखे, यानी कि उसमें कमल लगाए गए हैं, कि जिस प्रकार श्री राधा रानी यहाँ पर प्रकट हुई थी उसी भाव से यहाँ पर उस कुंड में भी आपको दर्शन होते हैं। और बताया जाता है हमें, जैसे कि लोकल ने बताया यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल थे, कि बरसात में यानी कि बारिश के टाइम पर वो सभी पूरे जो कमल हैं वो खिल जाते हैं और पूरा कुंड जो है कमल से भर जाता है। और अब मैं आपको राधा बाग में लेके चलता हूँ, जो कि वहाँ पे बताया जाता है कि जो राधा रानी का स्वरूप है और भगवान कृष्ण का स्वरूप है, वो साक्षात आपको एक वृक्ष के पेड़ के रूप में आपको दर्शन होते हैं। चलते हैं वहाँ पर, और समीप आपको मैं कोशिश करूंगा एक बार कुंड की तरफ भी लेके चलूं। अंदर आपको हमने कंप्लीट दर्शन कराए मंदिर में, कथा आपने सुनी कि किस तरीके से यहाँ पे श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ था। अब चलते हैं उस राधा बाग की तरफ, जो कि एक हमने आपको राधा बाग के दर्शन कराए थे बरसाना में, और एक आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं यानी कि रावल गांव में। चलते हैं हम आपके ओर। ये है मंदिर का पूरा वही एरिया जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया दिया था, जैसे कि आपने देखा था। और काफ़ी देखो, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बसें जाती हैं, और इतना बड़ा एरिया है कि कितनी गाड़ियाँ आप यहाँ पे आराम से खड़ी कर सकते हैं, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। और यहीं पर ही सामने ही वही राधा बाग मौजूद है जिसके बारे में हमें माता जी ने बताया था, यही राधा बाग का मुख्य गेट है। यात्री देखो आप, काफ़ी यात्री हर दिन यहाँ पे दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। जो चीज़ यहाँ पे मैंने महसूस की है वो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि आप देखो चारों तरफ हरियाली है। आप राधा बाग की ओर अगर आप कहीं पर भी देखेंगे ना, आप कहीं पर भी नज़र डालेंगे आपको इतनी हरियाली देखने को मिलेगी,
कि देखो सिर्फ ये मार्ग जो है, ये जो जिसे कहते हैं तरीके से परिक्रमा पथ है, ये ही आपको विजिबल होगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर है। जैसा कि हमें बताया गया था कि राधा बाग में आपको उस पेड़ के दर्शन होते हैं जहाँ पे आपको साक्षात राधा रानी और भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं उस पेड़ में। तो मैं अब आ गया हूँ राधा बाग के अंदर, और अंदर मैं समीप आ गया हूँ उस पेड़ के। यही वो मार्ग जा रहा है उस पेड़ का जहाँ पे आपको साक्षात उनके दर्शन होते हैं जिनके दर्शन के लिए दुनिया यहाँ पे जिसे कहते हैं भागी चली आती है। सत्यता जो देखने के लिए हम आए थे वो यहाँ पे हमें दिख गया, और आपको कैमरे में नहीं विजिबल होगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो आपको कैमरे में नहीं फील हो। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था देखने के लिए वो सामने मेरे जिसे कहते हैं मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो वृक्ष आप देख रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, क्योंकि कैमरा जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैं विजुअलाइज देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो लिटरली वो शब्द में नहीं बयां किया जा सकता। ये वाला जो वृक्ष है ये श्यामा रूप है, और ये वाला वृक्ष है ये साफ प्रतीत होता है कि गौर वर्ण है, यानी कि ये गोरा वृक्ष है आप कह सकते हो, और ये राधा रानी का स्वरूप है। बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन हो रहे हैं, एक साथ श्यामा और श्याम के दर्शन हमें। मैं कोशिश करता हूँ आपको वृक्ष के समीप ले जाने की, और हमारे साथ है यहाँ के गाँव के, इसी गाँव के, रावल गाँव के छोटे छोटे बच्चे। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। कहाँ पे रहते हो? गांव में रहते हैं, रावल गांव में, इस पुराना बरसाना में रहते हो। तो इस वृक्ष के बारे में कुछ जानते हो? हाँ। कितना पुराना वृक्ष है ये? 5000 वर्ष पुराना पेड़ है ये, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर पत्थर है, किसी माने इस पत्थर बांस भी जाते थे। देखो ये रहा, यहाँ पर गाय चरती थी, यानी कि यहाँ पे जो गायें चरती थी। हाँ। और कृष्ण जी यहाँ पे, भगवान कृष्ण यहाँ पे बांसुरी बजाते थे इस पत्थर पर। वो पत्थर यहाँ पे है? हाँ। जैसे कि बेटा हमने जो पत्थर देखा है वो छोटा सा ही पत्थर हमें दिख रहा है, तो क्या वो छोटा ही पत्थर है या बड़ा पत्थर है? बहुत बड़ा पत्थर है वो। बहुत बड़ा पत्थर है? कितना बड़ा है? हाथ से बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा पत्थर है, तो ये इस पे बांधा क्यों है, इसके बारे में कुछ पता है? जी, सिंगार होया राधा रानी का। अच्छा। ये साड़ी बांधी है इसलिए। ये साड़ी बांधी हुई। हाँ। है इस पेड़ को, यानी कि आप देखो वो भाव से आप दर्शन करो, जैसे कि आपको हमने मुखारविंद दिखाया जो घूंघट है श्री राधा रानी का उस तरफ में, आप समीप से देखो बहुत ही सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव है, एक बार को आपकी नज़र यहाँ से नहीं हटेगी अगर आप जैसे कहते हैं ध्यान मग्न होकर देखेंगे। श्री राधा रानी का ये घूंघट है, जो कि रावल गांव में ये वही वृक्ष है जो राधे कृष्ण एक स्वरूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे मैं आपको, आप ऊपर जो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी अगरबत्ती या ज्योत वगैरह ना लगाए, क्योंकि यहाँ पे श्री राधा रानी का जैसे कि आप देखेंगे श्रृंगार हुआ हुआ है, और अगर कोई भक्तजन इस प्रकार की यू नो दिया या धूप अगरबत्ती कुछ लगाता है कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे भक्तों के लिए लगाया गया है। केवल यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जैसे कि आप पढ़ेंगे कि आप परिक्रमा दीजिए और आगे बढ़ सकते हैं आप, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए। और जो यहाँ पे जिस पत्थर पे भगवान कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे वो पत्थर आज भी मौजूद है, और इसको कवर कर दिया गया है इसकी सुरक्षा के लिए। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मण। तो आप भी इसी गाँव के रहने वाले? देखो यहाँ पर जब राधा रानी जी, पहले वृक्ष नहीं था ये, तो राधा रानी यहाँ पर श्रृंगार करती थी ना, तो उनको बहुत धूप लगती थी, तो उनके पास में कृष्ण भगवान भी थे, तो कृष्ण भगवान से बोला, हे कृष्ण भगवान मैं तो यहाँ पर श्रृंगार करती हूँ तो मुझे धूप लगती है। कृष्ण भगवान से बोला कि मुझे दो वृक्ष चाहिए, तो कान्हा जी ने बोला कि अपने ही रंग में दो, किसी और के में, तो राधा रानी ने बोला स्वयं अपने ही रंग में दो, तो ये दो पेड़ दिए थे। तो भगवान कृष्ण ने दिए थे ये पेड़। हाँ। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोग ये कहेंगे कि हम यू नो बच्चे से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो ब्रज का महत्व है वो ब्रज का बच्चा बच्चा जानता है।
तो आप बच्चे को भी आप ये मत समझिएगा कि बच्चे को कथा नहीं, बच्चे का जन्म से ही भगवान कृष्ण की कृपा होती है कि वो उनको सारा आभास होता है। इस वृक्ष के साक्षात रूप में दर्शन करें, क्योंकि ये बहुत अद्भुत दर्शन है आप सभी के लिए। मैं जो आप सभी को कोशिश कर रहा हूँ कराने की कि श्री जी ऐसी कृपा करें कि आप शीघ्र ही। अब मैं आपको थोड़ा समीप लेके जाने की कोशिश करता हूँ पेड़ की। जैसे ही मैं राधा बाग में एंटर हुआ, मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ कही थी जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ की जो हरियाली है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा अद्भुत है कि जिसके बारे में ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ और ना मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की महत्वता यही दर्शाती है कि आप देखिए ग्रीनरी कितनी है चारों तरफ में। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है इस टाइम पर। एंट्री हमने उस तरफ से ली थी जो कि आप देख सकते हैं, जो कि मेन द्वार है, वो वहाँ से हम लोग एंटर हुए। देन वो है एक तरीके से पूरा आप कह सकते हो कि परिक्रमा मार्ग, और वहीं से फिर हम यहाँ की ओर आए हैं। और यहाँ पे आपको वो वृक्ष के दर्शन बहुत ही सुंदर, जो कि आज भी इसमें आप वो दर्शन पा सकते हैं जो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के एक साथ आपको होने का आभास कराते हैं। पेड़ जो है ये है एक प्राण दो देह, जो कि आप सामने देख रहे हैं, और उसी रूप में उसी भाव से आप भी दर्शन कीजिए। हमें जैसे कि यहाँ पे पता चला है, जो कि गांव के बच्चे हमारे साथ हैं उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे एक सखी सेवा करती थी राधा बाग में ही, जो राधा रानी का झूला है उस में अभी ताला आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सेवा करती थी सखी वो अब वृंदावन चली गई हैं। जब वो आएंगी तब यहाँ पे सेवा आरंभ होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको कोशिश करता हूँ अंदर की झलक दिखाने की। हालांकि अंदर अंधेरा है, लाइट तो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अभी लाइट गई भी है गाँव में, तो अंदर भी अंधेरा है अभी। लेकिन मैं आपको लाइट के थ्रू कोशिश करता हूँ एक झलक दिखाने की। यहाँ पे जो आप झूला देख रहे हैं ये पूरे 12 महीने आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। भक्तजन आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, और जब कपाट खुले रहते हैं यानी कि ताला नहीं होता है तो यहाँ पे झूला भी झुलाते हैं भक्तजन। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो करंट के दर्शन हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जुलाई के महीने में 2024 में, अभी यहाँ पे नहीं है कोई भी, और आपको इसी प्रकार दर्शन करने होंगे। आप दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर वैसे दर्शन है यहाँ पे झूले के, और आनंद लीजिए आप यहाँ पे। हमने आपको राधा बाग में उस पेड़ के दर्शन कराए जो यहाँ पे राधे कृष्ण का स्वरूप यहाँ पे आज भी प्रकट रूप में दर्शन होते हैं आपको। साथ ही हमने आपको झूले के दर्शन कराए जो राधा बाग में ही मौजूद है। अब हम आपको लेके चलते हैं राधा बाग में जो कुआं मौजूद है। जैसे कि बरसाना में राधा बाग में कुआं है जिसका पानी लोग आज भी पीते हैं, लेकिन हमने अप्रैल में वीडियो शूट किया था, हमें पता चला था वो अब कुआं बंद कर दिया गया है फिलहाल में। लेकिन ये जो आज मैं रावल गांव में राधा बाग के दर्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कुएं के दर्शन होते हैं आपको, लेकिन वो कुआं चालू नहीं है, वो कुआं बंद है। मुझे जैसे कि हमें यहाँ के बच्चे जो थे उन्होंने हमें बताया कि उनके पिताजी ने इस कुएं का पानी पिया है आज से 15-20 साल पहले की बात होगी। हालांकि इस टाइम पर कोई अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन उनके पिताजी ने इस कुएं से पानी पिया था, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो कुआं है। बहुत ही जिसे कहते हैं अद्भुत बात है, उस समय का कुआं के रूप में आपको दर्शन होते हैं। हालांकि कुएं के मेंटेनेंस होती रहती है बीच बीच में, लेकिन जो भाव से दर्शन होते हैं वो आज भी आपको उसी समय का एहसास कराते हैं। तुम्हारे पिताजी ने पानी पिया था इस कुएं का, तो कब की बात है कुछ अंदा? हमारा तो जन्म भी नहीं था, जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि तुम्हारे जन्म से भी पहले की बात है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस कुएं में, यहाँ पे हमें इस बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने हमें कि रस्सी का मेरा साथ है, यहाँ पे रस्सी का क्या निशान है। राधा रानी पानी कहती थी सखी, और राधा रानी पानी कहती थी नहाने के लिए। देखो यहाँ पे रस्सियों के निशान है, जो कि सात निशान है। एक सामने आपको दिख रहा है, दो, फिर ये तीन, चार, पाँच, छ, सात, यहाँ से लेके यहाँ तक के सात निशान मौजूद है। और उसी टाइम के ये भाव से दर्शन होते हैं, आप दर्शन कीजिए। हालांकि कुआं चालू नहीं है, बंद है, लेकिन बताया ये जाता है कि आज भी जो भक्त जन आते हैं वो उसी भाव से दर्शन करते हैं कि राधा बाग में जो कुआं है उससे सखियां संग राधा रानी यहाँ पे पानी निकाला करती थी। और आपको हमने राधा बाग के संपूर्ण दर्शन कराए, अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ, और वहाँ जो कथा है वहीं पर हम आज की वीडियो समाप्त करेंगे, क्योंकि संपूर्ण दर्शन हमने आपको आज इस वीडियो में करा दिए हैं।
श्री राधा रानी की कृपा से। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से आपका मन नहीं भरेगा, मैं आपको लिटरली बताऊँ, यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत ही पीसफुल वातावरण है। आप थोड़ी देर मैं चुप होता हूँ और आप आवाज़ महसूस करना कितनी शांति है यहाँ पे। देखो आप टाइम देखो, 6:15 का टाइम है और मौसम देखो कितना प्यारा हुआ हुआ है। मैं आया हूँ मंदिर के बैक साइड जो कि कुंड मौजूद है और यहाँ पे परिक्रमा भी करते हैं सभी लोग, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं उधर। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा एरिया है और आपको मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ उस तरफ में। वहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो आपको जो बाउंड्री वॉल है वो गिरी हुई महसूस होगी, यानी कि फील होगी कि यहाँ पे जब यमुना जी का प्रभाव आया था, यानी कि जब यमुना जी यहाँ पे आई थी, बाढ़ यहाँ पे आई थी, कहने का मतलब है उस टाइम पर सब कुछ वो बहा ले गई थी अपने साथ में। तो वो जो वॉल है वो तभी गिरी हुई थी, उस टाइम से गिरी हुई है और ये आप देख सकते हो कि पूरे ब्रज में यमुना जी जब आई थी तो मंदिर मंदिर हर स्थान पे वो स्पर्श किया था उन्होंने ठाकुर जी के चरणों को। और ये भाव से दर्शन लिटरली बहुत ही सुंदर दर्शन है। मैंने आपको मंदिर की छत से दिखाया था जो कि मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो, वही गुंबद है जहाँ पे हम लोग आपको खड़े होकर दिखा रहे थे बैक साइड में। राधा बाग भी आपको हमने दिखाया, यही वो कुंड है और यही वो कमल के पत्ते हैं जो कि आपने ऊपर से देखे थे। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको सामने दिख रही है, ये मैं कोशिश करता हूँ आपको पॉइंट करके, ये जो है ये है वो कमल का जो पौधा है, यानी कि जो पेड़ है वो अब खिल रहा है धीरे धीरे। और इस तरीके से काफ़ी कमल यहाँ पे आते हैं और जब ये बारिश के टाइम पर पूरा कुंड जो है कमल से भर जाता है, उस टाइम पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जो है दर्शन आपको होते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपने दर्शन करे कुंड के, राधा बाग के और मंदिर के, और संपूर्ण हमने कथा आपको इस वीडियो में बताई। हमारा मोटिव यही था कि हम जब वीडियो कवर करें तो आपको संपूर्ण जानकारी दें उस स्थान के बारे में जहां पर भी हम जाते हैं। आज मैं राधा बाग जो दर्शन हुए उसकी महिमा मैं किस प्रकार बयां करूं, और राधा कुंड के दर्शन तो बहुत आनंदपूर्वक हुए। अब हम आपको मंदिर की तरफ लेके चलेंगे और वहाँ पर जो कथा है वहीं पर हम उसका समापन करेंगे। जैसे कि हमने कहा था आपको कुंड के समीप से दर्शन करना और आप सभी को कराना, ये जैसे कि आप सभी को पता है कि वीडियो कंप्लीट ही तब हमारी होती है जब कंप्लीट कथा, कंप्लीट दर्शन हम आपको करा देते हैं। तो आज कुंड के दर्शन आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। अब चलते हैं हम आगे की ओर और आपको आगे की कथा हम आगे बताएंगे। काफ़ी सालों से आप सबकी जो रिक्वेस्ट थी आज श्री जी ने पूरी कराई और मुझे बहुत अच्छा लगा खुद भी कि मैं यहाँ पे दर्शन करने आया। कोशिश सभी करते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा, जैसे कि हमें माता जी ने बताया कि जब श्री जी चाहती हैं तभी यहाँ पे भक्त आ पाते हैं दर्शन के लिए, वरना आप कितना प्रयास करें आप यहाँ पे दर्शन करने नहीं आ सकते। ऐसे ही मैं भी कम से कम 4 साल मुझे हो गए हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर थे जो काफ़ी रिक्वेस्ट किया करते थे हमसे बार बार, लेकिन मैं उनसे यही कहता था कि जब श्री जी चाहेंगी तभी मैं आपको रावल गांव के दर्शन कराऊंगा, श्री राधा रानी की जन्मभूमि के दर्शन कराऊंगा। और आज जिसे कहते हैं जुलाई का महीना है, 2024 है, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए और ख़ुद भी दर्शन करने के लिए। आनंद बहुत आया है, मैं लिटरली बताऊँगा, आप मेरे बैक साइड देखो ग्रीनरी कितनी है इस एरिया में। ये राधा रानी का जन्म स्थान है तो यहाँ पर ये स्वाभाविक है। और राधा बाग में जो आपने दर्शन करे वो तो जिसे कहते हैं हर तरफ जहाँ पर भी आप दृष्टि डालेंगे वहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन हुए हमें। अंदर जो दर्शन हुए आपको, किस प्रकार आपको आनंद आया हमें ज़रूर बताना। जो कथा आपने सुनी है, जो आपने दर्शन किए, जो श्री लाडली जी के जो छोटे बाल स्वरूप में दर्शन है, बहुत ही सुंदर दर्शन है वो, जिसे कहते हैं ना, वो शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किस प्रकार बयां करूं कि जो हमने वो भाव से दर्शन किए श्री राधा रानी के, कि जब यहाँ पे श्री राधा रानी बाल स्वरूप में यहाँ पे प्रकट हुई थी। और जैसे माता जी ने हमें बताया कि जब राधा अष्टमी आती है तब यहाँ पे दर्शन अगर हो जाए तो वो बहुत ही दुर्लभ बात है,
इतनी भीड़, इतने भक्तजन यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और मैं आपको ये कहूँगा, यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ। ये रावल गांव है जो कि गोकुल में ही आता है, जिसको पुराना बरसाना कहा जाता है। श्री राधा रानी की जन्म भूमि कहलाती है ये। बहुत आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। अगर आपको आज की इस वीडियो में आनंद आया है, दर्शन करके अच्छा लगा है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियोस लेके आते रहेंगे। बाकी आप भी हमें सजेस्ट कीजिएगा कि आप कहाँ के दर्शन करना चाहते हैं। ये भी वो स्थान है जो आप सबने हमें सजेस्ट किया था कि आप हमें रावल गांव के दर्शन कराइए। तो आप हमें आगे भी इसी प्रकार सजेस्ट करना कि आप कहाँ के दर्शन करना चाहते हैं। हम आपके लिए वहाँ पर जाके वीडियो शूट करेंगे और आप सभी के साथ में वहाँ का जो महत्व है वो शेयर करेंगे और वहाँ की कथा शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को रावल गाँव से राधे राधे।